पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की ऐसे मनोवैज्ञानिक है दोस्तों जिनके नंबर भर भर के सीटेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, यूपीटेट, रीट की एग्जाम में आते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों तीन ऐसे मनोवैज्ञानिकों के ऐसे क्वेश्चन मैंने ढूंढे हैं जो हर बार एग्जाम में आए हैं और हर बार एग्जाम में आना इनका तय है। यानी कि आज के दिन दोस्तों पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के सीटेट 2021 में आने वाले ऐसे क्वेश्चंस जो हर बार पिछली बार एग्जाम्स में आए और आगे भी हर बार आएंगे, चाहे कोई क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। सीटेट के अंदर आप देखना चाहते हो कि मेरा एक्सपीरियंस कितना है तो आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप कई नंबर लूट कर चले जाएंगे। मेरा टारगेट है जो नए स्टूडेंट मुझे इस वीडियो में देखें उनको मैं पहली ही वीडियो में कोई नंबर गिफ्ट कर दूं ताकि उनका दिल भी खुश हो जाए, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने ना चाहते हुए भी देख ली पूरी तो दोस्तों कई नंबर लूट कर ले जाएंगे आप अपने आने वाले 2021 के एग्जाम में। क्योंकि आज की इस वीडियो में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सीडीपी बाल विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, यानी कि हर साल परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जो बार बार आए हैं और हमेशा ही रिपीट हुए हैं। सीटेट के पेपर की आपने एक नेचर देखी होगी कि वहां पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस पता करना जो हर बार रिपीट हुए हैं ये भी एक कला है, और वो काम किया है बैक टू स्कूल यानी हमने आपके लिए। तो इस पूरी वीडियो में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये तीन मनोवैज्ञानिक पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की सीटेट 2021 सीटेट 2021 के पेपर में जबरदस्त रोल प्ले करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से अपनी जबरदस्त क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीकेशंस कांट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता था, या आप मुझे बताओ कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में इन चार ऑप्शंस में कौन सा ठीक नहीं है। पहला, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिक विभेदों को मानना। बिल्कुल पियाजे व्यक्तिक विभेदों को मानते हैं कि अलग अलग तरीके से सीखने वाले बच्चे होते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, बच्चा रेडी होगा लर्न करने के लिए तब वो लर्न करेगा और उसकी सेंसेस भी यूज आती हैं सीखने में, बिल्कुल ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग, बिल्कुल ठीक है, बच्चा अपने वातावरण में एक्टिव होकर क्रिया करके सीखेगा। नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, देखिए जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी जिसके अंदर चार स्टेज थी, उसके अंदर वर्बल टीचिंग की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे को बोलकर सिखाने की जरूरत नहीं है। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे का जो मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास के अंदर बच्चे को वर्बल ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो आंसर आ जाएगा लास्ट वाला। अब देखिए अगर आप बात करें जीन पियाजे के सिद्धांत की तो कितने जबरदस्त तरीके से हम समझेंगे। मानसिक विकास की अवस्थाएं दी, यानी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी, जीन पियाजे ने दी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितनी स्टेज हैं, यहां पर देखिए चार स्टेज है। सबसे पहली स्टेज है 0 से 2 वर्ष, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है। क्या सेंसरी मोटर, ध्यान से नोट डाउन करिएगा, संवेगात्मक अवस्था, संवेदिगात्मक। दूसरा पूर्व क्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष की रहती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, या जिसे मूर्त क्रियात्मक भी बोला जाता है, 7 से 11 साल, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष के बीच में आती है, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इन चार अवस्थाओं में बताया जीन पियाजे ने कि बच्चे का जो मस्तिष्क है, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो धीरे धीरे हर स्टेज में बढ़ता चला जाता है। तो देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेजेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, देन यू विल से 4, ठीक है, 4 अवस्थाएं हैं। दूसरा, एज ए टीचर हु फर्मली बिलीव इन सोशल
कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू प्रेफर फॉर असर्टिंग योर स्टूडेंट्स। आप लेव वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक की विचारधारा को मानने वाले एक शिक्षक हैं, तो आपके हिसाब से आपका जो बच्चा है दोस्तों, उसके सामने कैसे क्वेश्चंस नहीं लाने चाहिए, या फिर कौन सा तरीका वाइगोत्स्की कभी नहीं अपनाएगा। याद रखना दोस्तों, वाइगोत्स्की की थ्योरी का क्या नाम था? सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी थी दोस्तों। वाइगोत्स्की ने हमेशा किसकी बात की? समाज की, सोसाइटी की। तो वाइगोत्स्की का जो भी आंसर आएगा दोस्तों, वो समाज और सोसाइटी से रिलेटेड होगा। चलिए दोस्तों, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, इसका मतलब है सहयोगी परियोजना। अब देखो, ये जो सहयोगी परियोजना है, कोलैबोरेटिव ये जो प्रोजेक्ट है, ये ग्रुप को दिया जाता है। तो वाइगोत्स्की के हिसाब से बच्चा इन चारों में से कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट से सीखेगा। अब ये जो वाइगोत्स्की थे दोस्तों, ये सीखने में समाज का रोल बहुत मानते थे, कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, वो बच्चे के समाज के संपर्क में आने से होता है। तो इनकी जो थ्योरी थी वाइगोत्स्की की, इनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी। हमेशा पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की का सीटेट 2021 में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, नंबर लूटने हैं हमें, चूकना बिल्कुल भी नहीं है। तो पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के ये क्वेश्चन हमेशा आए हैं। सोशियो कल्चर थ्योरी है दोस्तों, ये थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी हमें बिल्कुल सिंपल सी बात यह बताती है कि जो सामाजिक संपर्क है, सोशल इंटरेक्शन का मतलब है सामाजिक संपर्क, यानी एक आदमी जब दूसरे आदमी से कम्युनिकेट करता है, बात करता है, उसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो सोशल इंटरेक्शन भी कहा जाता है। सोशल इंटरेक्शन की वजह से ही बच्चे का मानसिक विकास होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब मानसिक विकास होता है। जो कल्चर होती है, जो सोसाइटी होती है, वो प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंसेस का मतलब प्रभावित करती है मानसिक विकास को, यानी बच्चे की संस्कृति भी बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करती है। ये भी इस थ्योरी में किसने कहा? वाइगोत्स्की ने। लैंग्वेज शेप्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी बच्चे की जो भाषा है वो भी मानसिक विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, आई एम सॉरी, कोई मुझे बहुत तगड़े तरीके से याद कर रहा है। हमारे कल्चर में यह माना जाता है, छींक आ जाए तो कोई आपको याद कर रहा है। आप कर रहे थे क्या मुझे वीडियो देखकर याद? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चर थ्योरी थी, इससे आप कितनी बातें समझे इंपॉर्टेंट? तीन बातें। इन तीन क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कल्चर जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, और जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। अब आप बोलेंगे लैंग्वेज कैसे इफेक्ट करती है? क्योंकि जो कल्चर होता है, जो सोसाइटी होती है, वो एक दूसरे से बात करने के लिए लैंग्वेज का सहारा लेती है। कोई भी सोसाइटी एक दूसरे से बात करने के लिए लैंग्वेज का सहारा लेगी, और सोसाइटी की वजह से लर्निंग होती है वाइगोत्स्की के हिसाब से, तो लैंग्वेज की वजह से भी लर्निंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये जो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने ZPD का एक कंसेप्ट दिया। किसका कंसेप्ट दिया? ZPD का। ये ZPD क्या है दोस्तों? मान लो एक लड़का है, उसे जमा करना आता है, घटा करना आता है, गुणा करना आता है, लेकिन उसे डिवाइड नहीं आता, उसे डिवाइड नहीं आता। तो याद रखना दोस्तों, वो सारी चीजें, यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, वो सारी चीजें जो बच्चा कहता है व्हाट आई कैन डू, यानी वो चीजें जो बच्चा कर सकता है, जैसे बच्चा माइनस कर सकता है, बच्चा प्लस कर सकता है, माइनस मल्टीप्लाई कर सकता है,
यानी बच्चे को ये तीन चीजें आती हैं, वो चीजें जो बच्चा कर सकता है वो कहलाता है जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट, ZAD। याद रखना वाइगोत्स्की के हिसाब से जो चीजें बच्चा कर लेगा वो ZAD कहलाएगा। अब कुछ ऐसी भी चीज थी जो बच्चा नहीं कर पा रहा था, क्या? भाग नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक बात थी, अगर उसका टीचर उसकी मदद करे तो वो भाग भी कर लेता है, यानी कि व्हाट आई कैन डू विद हेल्प। अगर बच्चा कहे कि ऐसी चीज जो मैं दूसरों की मदद से कर सकता हूं, अकेला नहीं कर सकता, वो होता है ZPD, जिसको आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि ऐसा एरिया जहां पर लर्नर उस चीज को कर तो ले, लेकिन दूसरों की मदद की जरूरत पड़े। ये दूसरों की मदद क्या कहलाती है? स्काफोल्डिंग। ये टेम्परेरी होती है, क्योंकि मदद करने वाला हमेशा प्रेजेंट नहीं रहता। तो सीखने का वो एरिया जो काम बच्चा कर सके वो ZAD कहलाएगा, जो दूसरों की मदद से कर सके वो बच्चा भाग कर सकता है टीचर की मदद से, स्काफोल्डिंग की मदद से। तो ये जो पीले वाला एरिया है ये ZPD होगा, यानी ये पीला एरिया ऐसा होगा कि ये डेवलपमेंट हो सकता है अगर क्या हो, स्काफोल्डिंग हो। लेकिन बच्चा बोलता है कि मुझे P/Q की फॉर्म के कोई भी क्वेश्चन नहीं आते, तो बच्चा क्या नहीं करता, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस नहीं कर सकता। तो चाहे टीचर मदद करे चाहे टीचर मदद ना करे, तो ये जो ZPD से बाहर का एरिया है ये होता है ऐसा एरिया जिसको बच्चा प्राप्त नहीं कर सकता, यानी वो चीजें जो बच्चे को नहीं आ सकती, चाहे स्काफोल्डिंग दो चाहे स्काफोल्डिंग मत दो। इस पीले एरिया में जितनी भी चीजें होंगी वो बच्चा कर लेगा स्काफोल्डिंग की मदद से, क्योंकि ये पीला एरिया ZPD है और ये बीच वाला एरिया ZAD है। इसको और अच्छे से समझते हैं दोस्तों, यानी कि आप मुझे ये बताओ, ये जो बीच वाला एरिया है ZAD, इसमें क्या क्या आएगा, बच्चे को क्या क्या आते थे बताओ मुझे? माइनस आता था बच्चे को, प्लस आता था और मल्टीप्लीकेशन आता था। ये तीन चीज ऐसी थी जो बच्चा खुद कर सकता था, तो ये ZAD के अंदर आ जाएगी। बच्चा स्काफोल्डिंग की मदद से क्या कर सकता था? डिवाइड कर सकता था। तो किसकी मदद से हुई? स्काफोल्डिंग। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ZPD, ये जो एरिया है ना दूसरा, ये ZPD है। व्हाट लर्नर कैन डू विद हेल्प, ये जो हेल्प होगी ये स्काफोल्डिंग कहलाएगी। अब बच्चा क्या नहीं कर सकता था, चाहे टीचर मदद करे चाहे ना करे, P/Q फॉर्म के क्वेश्चंस। तो ये पूरा जो है दोस्तों सिस्टम होता है ZPD का। अब याद रखना दोस्तों, ये जो ZPD होती है, या तो बच्चा टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्प लेगा या बड़ों की मदद से। तो जब भी आपसे पूछे दोस्तों ZPD का कंसेप्ट किसने दिया, सोशियो कल्चर थ्योरी किसने दी, तो आंसर क्या आना चाहिए? वाइगोत्स्की। तो मैंने क्वेश्चंस के थ्रू पूरा सिस्टम आपको समझा दिया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। अब ध्यान से देखो कि वाइगोत्स्की के हिसाब से बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है। देखो, बच्चे का मानसिक विकास भी कैसे होगा? समाज के थ्रू। देखते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, सोशल इंटरेक्शन, ये दूसरा ऑप्शन ही हमें मिल गया, यानी कि समाज के साथ संपर्क, समाज के साथ संपर्क करने से ही बच्चे का मानसिक विकास होगा, ये बात कही वाइगोत्स्की ने। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि वाइगोत्स्की के हिसाब से मानसिक विकास को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। इन चीजों के अलावा वाइगोत्स्की नहीं जुड़े हुए, वाइगोत्स्की की जो सोशल डेवलपमेंट है दोस्तों वो इन सब चीजों के द्वारा होता है, जिसमें सबसे पहली चीज क्या है? सोशल इंटरेक्शन, जो कि हमारे क्वेश्चन में था। ये रहा ना सोशल इंटरेक्शन, ये रहा सोशल इंटरेक्शन, यानी समाज के साथ संपर्क, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, मोर नॉलेज ऑफ अदर्स, दूसरों की मदद से जिनके पास ज्यादा नॉलेज है, लैंग्वेज की सहायता से, या फिर
जो लर्निंग होती है वही डेवलपमेंट करती है, और कल्चर की मदद से, यानी ये जितने भी फैक्टर होंगे ये समाज से रिलेटेड है, और ये सभी मिलकर बच्चे का सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं, ये कहा लेव वाइगोत्स्की ने। चौथा क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये चौथा क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा है, मजा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन देख के। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट रीजनिंग, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ ए चाइल्ड फॉल, आपको बताना है कोहलबर्ग के अनुसार जो स्टेटमेंट दे रखा है वो कौन सी स्टेज के लड़के या लड़की का है। देखते हैं एक बार स्टेटमेंट, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट सो यू शुड बी ऑनेस्ट, यानी कि आपके पेरेंट्स आपको लेकर काफी प्राउड फील करेंगे अगर आप ऑनेस्ट होंगे, तो आपको हमेशा कैसा रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, प्राउड। जहां पर भी प्राउड होने की बात हो दोस्तों, वहां पर एक स्टेज होती है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाली स्टेज, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ये जो क्वेश्चन आया है दोस्तों जीन प्याजे कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की में से, कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी के अंदर से आया है। आपको क्या पता है, क्या आप जानते हैं, एक फैक्ट आपको बताता हूं कोहलबर्ग के बारे में। कोहलबर्ग ने सबसे पहले ये जो सिद्धांत था मॉरल डेवलपमेंट का, जिसके 3 लेवल और 6 स्टेज होते हैं, इसको 1969 में बनाया था। लेकिन कोई भी चीज जब पहली बार बनाई जाती है तो उसमें कई कमियां रह जाती हैं, तो बीच बीच में उन कमियों को दूर करके उसको मॉडिफाई किया जाता है, जिसे संशोधित करना बोलते हैं। तो इसमें चेंजेज किए गए 1981 में और 1984 में। तो आपको ये अगर इंपॉर्टेंट और अमेजिंग फैक्ट नहीं पता था कोहलबर्ग के बारे में, और आप सीटेट 2021 का एग्जाम देने जा रहे हो, तो लाइक ठोक दो दोस्तों, ऐसे ही क्रिएटिव वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। अब ये जो कोहलबर्ग थे दोस्तों, ये जो आंसर था ये गुड बॉय और गुड गर्ल वाली स्टेज थी। कौन सी थी, गुड बॉय और गुड गर्ल वाली स्टेज, इसे गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। यहां पर 6 स्टेज हैं, 3 लेवल हैं कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट में, यानी बच्चे का नैतिक विकास एकदम से नहीं होता, 3 लेवल गुजरेंगे, 6 स्टेज गुजरेंगी, ठीक है। ये जो गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन की स्टेज होती है, इसमें बच्चा इस तरीके से बिहेव करता है जिससे समाज के अंदर उसे प्रशंसा मिले, ठीक है। उसके लिए नैतिकता क्या होगी, समाज से प्रशंसा होगी। अगर आप बात करें दोस्तों लेवल्स की, तो यहां पर पूरी डिटेल में आपके लिए लेकर आया। सबसे पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा कन्वेंशनल और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। सबके नाम देख लीजिए, पहले लेवल में 2 स्टेज, दूसरे लेवल में 2 स्टेज और तीसरे लेवल में 2 स्टेज। यानी जो कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी होगी, उसमें पहले लेवल पर 2 स्टेज होंगी, दूसरे लेवल पर तीसरी चौथी स्टेज और तीसरे लेवल पर 5वीं और 6ठी स्टेज। जो तीसरा लेवल है उस पे हमेशा समाज का सेवक बन जाएगा, समाज के बारे में सोचेगा, कानून और व्यवस्था के ऊपर नैतिकता टिकी होगी दूसरे लेवल पर, और पहले लेवल पर सिर्फ अपना लाभ बच्चा देखेगा कि इसमें मेरे लिए लाभ क्या है। इसको डिटेल से पढ़ेंगे जब मैं आपको कराऊंगा। याद रखना लॉरेंस कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट में 3 लेवल हैं, प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इनकी एज देख लो, अगर आपसे एज पूछे तो जो पहला प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है वो बर्थ से 9 साल की होती है, जो कन्वेंशनल स्टेज होती है वो 9 साल से अर्ली एडोलेसेंस यानी कि 9 से 12 साल तक, और ये 12 से 18 तक आपकी चलती है। तो ठीक है दोस्तों, तो जो ये बच्चा है गुड बॉय गुड गर्ल, ये कहां से कहां तक आपको दिखेगा, ये 9 से अर्ली एडोलेसेंस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, प्याजे के हिसाब से सीखने के लिए इन 4 में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो जीन प्याजे का क्वेश्चन है,
तो जीन पियाजे कहां से जुड़े हुए हैं? मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। देखिए, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरमेंट बाय द लर्नर, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर्स ऑफ अडल्ट, बिलीव इन इमिनेंट जस्टिस, रीइंफोर्समेंट बाय टीचर एंड पेरेंट्स। आंसर होगा पहला। अब कई बच्चे दूसरे को भी चूज करेंगे कि दूसरों के बिहेवियर को देखकर सीखना, ऐसा कहते थे सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा। समाज में दूसरों को देखकर मॉडलिंग करके सीखना, ये बंडूरा थे। ये कौन थे? ये बंडूरा थे। यहां पर पियाजे पूछ रखा है, तो जीन पियाजे के हिसाब से बच्चे को क्या करनी पड़ेगी? डिस्कवरी, अपने वातावरण में एक्टिव होकर ही खुद सारी चीजों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहला आंसर होगा। अब पियाजे की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां पर कई बातें जान लेना जरूरी है। यहां पर पहली स्टेज सेंसरी मोटर 0 से 2, दूसरी 2 से 6, 7 से 11 और 12 से 18 सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। अब यहां पर देखो कि जो सेंसरी मोटर है उसमें बच्चा सेंसेस का प्रयोग करता है, हाथ पैर काफी हिलाता है, मोटर स्किल करता है और छूकर इंद्रियों की सहायता से ही हर किसी चीज का पता करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ये क्वेश्चन हमेशा आया है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आ जाती है, हमेशा ये क्वेश्चन देखा होगा ना, बहुत नंबर गिफ्ट कर रहा हूं ना, तो लाइक बनता है यार। ये वीडियो वायरल नहीं हुई ना यार, दिल टूट जाएगा आपके भाई का। जरूर इसको लाइक करना है, शेयर करना है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी पहली स्टेज में। आपने क्वेश्चन देखा होगा कि इमेजिनेशन कब आती है, चाहे डिसेंट्रलाइजेशन कब आता है। ये क्वेश्चन भी हमेशा आया है कि डिसेंट्रलाइजेशन कब आता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन दूसरी स्टेज में आ जाएगा, प्री ऑपरेशनल में। कई बार क्वेश्चन ये आया है कि कंजर्वेशन कब आता है, नंबर्स कब सीखता है, नए आइडियाज कब आते हैं और क्लासिफिकेशन कब करता है, तो ये कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो तीसरी स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल में, मूर्त वाली में। अगर पूछे एथिक्स कब सीखता है, पॉलिटिक्स कब सीखता है, मॉरल इश्यूज को एक्सप्लोर कब करता है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल में, औपचारिक संक्रियात्मक में। तो याद रखना, ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला क्वेश्चन, इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस, चाइल्ड, डिसेंटर्स वाला क्वेश्चन और उसके बाद कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन और उसके बाद मॉरल इश्यूज एक्सप्लोर करने वाला, एथिक्स वाला और पॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन, ये कब कर पाएगा? चौथी स्टेज में कर पाएगा। तो ये सब आपको याद रखने हैं, पहली स्टेज में ये, दूसरी में ये, तीसरी में ये, चौथी में ये। इतनी डीप वीडियो कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे की आपको नहीं लगी हो कोई, तो इस वीडियो को लाइक करें, उन सभी दोस्तों के मोबाइल पर यूट्यूब को भेजने के लिए मजबूर कर दें आप। चलिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन देखते हैं। ये छठा क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, जो हर बार सीटेट के एग्जाम में आया है और आएगा। जीन पियाजे के अनुसार जो स्कीमा है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है धीरे धीरे, तो वो दो कौन से प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा स्कीमा में मॉडिफिकेशन होता है? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमाज एंड बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमाज एज पर न्यू इंफॉर्मेशन, दीज टू प्रोसेसेस आर नोन एज। याद रखना दोस्तों, ये वर्ड है स्कीमा। स्कीमा का मतलब है पूर्व ज्ञान। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक आदमी को जितना भी ज्ञान है वो उसकी स्कीमा कहलाती है। तो दोस्तों, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोस्तों दो ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनकी मदद से पुरानी स्कीमा में, जिनकी मदद से पुरानी स्कीमा में नई स्कीमा जोड़ी जाती है। एसिमिलेशन में पुरानी इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन पहली बार जोड़ी जाती है और एकोमोडेशन में आप उसको परमानेंटली जोड़ लेते हैं। यह फर्क होता है, ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। बच्चे को बिल्ली के बारे में नहीं पता था कि बिल्ली क्या होती है। बच्चे ने जिंदगी में पहली बार एक ये बिल्ली देखी, तो बच्चे ने
अपने दिमाग में एक इंफॉर्मेशन डाली कि बिल्ली होती है ये ऐसा जानवर क्या होता है, बिल्ली, दिस इज कैट। यानी एक चाइल्ड ने, एक बच्चे ने अपने दिमाग में एक थियरी बना ली कि भाई ये क्या है, ये एक बिल्ली है। तो पहली स्टेज असिमिलेशन में उसने क्या किया, उसने एक कंसेप्ट बनाया कि ये बिल्ली है। ठीक है, थोड़े से दिन के बाद उसने देखा, थोड़े से दिन के बाद उसने देखा कि बिल्कुल वैसे ही रंग की बिल्ली, लेकिन उसके ऊपर ये अलग थे, यानी कि ये ऐसे ऐसे थी, इसके ऊपर इतने लाइन नहीं थी, लेकिन इसके ऊपर लाइन ज्यादा है, लेकिन कलर देखो ये गाढ़े कलर की, ये थोड़ी फीके कलर की है। बच्चे को लगा ये भी बिल्ली है। बच्चे ने जो सबसे पहले कंसेप्ट बनाया था अपने माइंड में, वो अभी तक चल रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब है संतुलन। संतुलन का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति कोई नई इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालता है तो वो उसको बिलीव कर लेता है। तो याद रखना, सबसे पहले असिमिलेशन, फिर इक्विलिब्रियम। कुछ दिन के बाद बच्चे ने देखा कि यार एक और तरीके की ये क्या मामला है, ये गाढ़े रंग की थी या हल्के रंग की है, इसमें तो रंग ही नहीं है, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है। तो उसके माइंड में जो एक इंफॉर्मेशन थी, उसे लगा यार ये इंफॉर्मेशन गलत है। तो पुरानी स्कीमा में जब भी नई स्कीमा जुड़ेगी तो इक्विलिब्रियम की जगह डिस इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी कि जो थ्योरी बच्चे ने अपने दिमाग में, जो कंसेप्ट अपने दिमाग में बच्चे ने कैट के बारे में बना रखा था, वो हिल चुका है। यानी कि अब कोई आपसे पूछे कि ये डिस इक्विलिब्रियम कब होता है, तो जब बच्चे के माइंड में जो ज्ञान है उसके ऊपर बच्चे को डाउट होने लगे। फिर आप बच्चों को बताएंगे कि बेटा डरो मत, जो पहले आपने देखी थी वो भी बिल्ली है, दूसरी बार देखी वो भी बिल्ली है, तीसरी बार देखी वो भी बिल्ली है, और आगे आप अलग अलग साइज की और अलग अलग रंगों की बिल्ली देख सकते हो, क्योंकि बिल्लियों के अलग अलग रंग होते हैं। तो बच्चे के माइंड में इंफॉर्मेशन अब हमेशा के लिए सेट हो गई। पहले इंफॉर्मेशन क्या थी, बिल्ली एक तरीके की होती है, लेकिन उसने अलग अलग बिल्लियों को देखा तो उसका जो कंसेप्ट था वो हिला, जो उसका इक्विलिब्रियम था वो डिस इक्विलिब्रियम में हुआ। अब जब नई इंफॉर्मेशन परमानेंटली जुड़ गई तो उसे अकोमोडेशन कहा गया, न्यू इंफॉर्मेशन इज एडेड इनटू दिस स्कीमा। तो वो स्टेप जब स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए बैठ जाती है, जैसे दीज आर ऑल कैट्स, तब अकोमोडेशन होता है। पहली बार जब कोई नई इंफॉर्मेशन आती है तो असिमिलेशन होता है। अब स्कीमा निर्माण के ये चार लेवल थे, तो सबसे पहले क्या हुआ, असिमिलेशन। असिमिलेशन का लेना देना किससे है, न्यू इन्फो, और अकोमोडेशन का क्या है, न्यू इन्फो इज एडेड परमानेंटली। ठीक है, यहां पर जब नई इंफॉर्मेशन या नई थ्योरी बनती है, जब किसी चीज के बारे में आदमी की नई इंफॉर्मेशन आती है, और यहां पर जब उसको परमानेंटली मॉडिफाई कर दिया जाता है। सातवां क्वेश्चन देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे चाइल्ड थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम अडल्ट देन इन डैश। यानी कि प्याजे के अनुसार बच्चों की सोच या बच्चों का चिंतन अलग है किस चीज में, अकॉर्डिंग टू प्याजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड फ्रॉम अडल्ट्स देन इन अमाउंट। देखो मेरा कहना क्या है, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक लड़का है 11 साल का है, एक लड़का है 7 साल का, एक है 18 साल का। ठीक है, इन दोनों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग अलग होगा। ठीक है, ये चौथी स्टेज में होगा, ये दूसरी स्टेज में होगा, जीन प्याजे के अनुसार ये फोर्थ स्टेज में, ये सेकंड स्टेज में। जीन प्याजे ने कहा है कि अलग अलग एजेस में, अलग अलग स्टेजेस में सोच के प्रकार अलग होते हैं। याद रखना, यहां पर दोस्तों अलग तरीके से बच्चा सोचता है, यहां पर अलग तरीके से।
यहां पर थिंकिंग का टाइप अलग होता है। तो याद रखना, जो चिल्ड्रन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अडल्ट से, किस चीज में? थिंकिंग के टाइप में। लेकिन जिस भी, मान लो एक 7 साल का बच्चा है, उसके पास जितनी थिंकिंग है वो उसको लास्ट लिमिट तक उसकी यूज कर सकता है, और जो अडल्ट है वो भी अपनी थिंकिंग को लास्ट लिमिट तक यूज कर सकता है। तो अमाउंट दोनों ही कितना भी यूज कर सकते हैं अपनी थिंकिंग का, लेकिन एज के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से उनका टाइप अलग होगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा डिफरेंट इन टाइप्स देन इन अमाउंट। तो यहां पर आंसर होगा दोस्तों तीसरे वाला। खुद देखो ना, जो बच्चा 6 से 7 साल का, 7 से 12 साल के बीच में है, मान लो एक बच्चा 7 से 12 साल के बीच में है, वो कंक्रीट ऑपरेशनल में है, एक बच्चा 12 से आगे है तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल में है। तो याद रखना दोस्तों कि इसकी थिंकिंग और इसकी थिंकिंग का टाइप अलग होगा। एक बच्चा जो इस स्टेज में है वो भी उतना डीप सोच पाएगा जो इस स्टेज में सोच पाएगा, लेकिन वो डीप किसी दूसरे थिंकिंग के टाइप में होगी, ये किसी दूसरी थिंकिंग के टाइप में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौवा क्या है। नौवा क्वेश्चन आपके सामने, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न। चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं? आपको बिल्कुल पता है वाइगोत्स्की की बात है तो समाज की बात होगी, तो यहां पर क्या होगा, इंटरेक्शन विद अडल्ट्स एंड पीयर्स, साथियों और बड़ों से सीखते हैं। यहां पर इमिटेशन क्यों नहीं आएगा? इमिटेशन से सीखने का काम करते हैं बंडूरा, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा डी, यानी कि यहां पर कैसे सीखा जा रहा है, समाज से, और समाज से सीखने की बात कौन करते हैं, वाइगोत्स्की। कोहलबर्ग हैज गिवन, कोहलबर्ग ने किस चीज का सिद्धांत दिया है, जल्दी से मुझे बताओ। बिल्कुल इजी है, 3 लेवल 6 स्टेज मोरल डेवलपमेंट, द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग ने दी है। जैसा आपने देखा, ये कोहलबर्ग भाई साहब हैं, जैसा आप इन्हें जानते हो, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी दोस्तों, कोहलबर्ग की थ्योरी के हिसाब से पहली दूसरी पे एक लेवल, तीसरी चौथी पे एक लेवल, पांचवी छठी पे, यहां पर फर्स्ट लेवल, यहां पर सेकंड लेवल, और यहां पर थर्ड लेवल। और यहां पर आपने एक चीज और देखी होगी कि ये जो थ्योरी है दोस्तों, उसके अंदर क्या है, ध्यान से देखो, यहां पर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर लेवल 1 है जिसके ऊपर स्टेज 1 और स्टेज 2 है, लेवल 2 है जिसके ऊपर स्टेज 3 स्टेज 4 है, और लेवल 3 है जिसके ऊपर स्टेज 4 सॉरी स्टेज 5 और स्टेज 6 है दोस्तों। तो दोस्त, ये आज के क्वेश्चंस थे बैक टू स्कूल चैनल पर, प्याजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के बेस्ट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में आए हैं, नंबर लूटेंगे आप। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो ऐप इंस्टॉल करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को अगर आप यहां तक बने हुए हैं, और शेयर जरूर कीजिए ताकि हर किसी स्टूडेंट के मोबाइल पे ये वीडियो पहुंचे जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। और नीचे प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा, कितने क्वेश्चन गलत हुए और कौन सा क्वेश्चन सबसे आपको अमेजिंग लगा, और कोई भी चीज आप मुझसे पूछना चाहते हो वो भी, तो आपकी तरह फैला दो इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं इसके पार्ट 2 में, लेकिन पार्ट 2 कब आएगा, जब कम से कम इस वीडियो के व्यू 10,000 से ज्यादा होंगे। छोटी कहते ना, दाल बड़ी नहीं, छोटी खुशी ही मुझे बहुत है। तो 10,000 तक आप जरूर पहुंचाए, शेयर लाइक जरूर करें, दिल खोल के करें, पार्ट भी काफी जल्दी आएगा। टेक केयर दोस्तों, बैक टू स्कूल में फिर से बोलता हूं, आपका स्वागत है, टेक केयर।